हम बनाने जा रहे हैं न्यूली मदर रेसिपी। इसके लिए मैंने ये काजू बादाम लिए हैं, इनको हम बहुत थोड़ा सा घी डालकर रोस्ट कर लेंगे। हम इनको तलेंगे नहीं, इसको हम खाली हल्का सा घी डालेंगे। ये देखिए बिल्कुल हमने जरा सा घी डाला है। अब हम इतने ही घी में इसको ड्राई रोस्ट धीमी धीमी गैस पर सेक कर रेडी करेंगे। हमारे काजू बादाम रोस्ट हो रहे हैं तब तक हम ये नारियल का बुरा का को कद्दूकस कर लेंगे। नारियल हमने प्लेट में जो रेता था उसको ट्रांसफर कर लिया है। अब हमारे काजू बादाम भी रोस्ट हो गए हैं, इसको भी हम पलट देंगे। अब हमने कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाला है और हम इसके अंदर दो कटोरी भर के आटा डालेंगे। ये हम आटे की कतली बना रहे हैं, आप इसी तरीके से दो से कटोरी डाल दिए, अब आधी कटोरी हम और डालेंगे। हम इसको आटे की कतली बना रहे हैं, आप बेसन से भी बना सकते हैं, बट आटे से जच्चा जो हमारी न्यूली मदर होती है उसको आटे से ही बनाकर ये रेसिपी खिलाई जाती है, वो ज़्यादा हेल्दी होती है, इसलिए हम इसको आटे में ही बना रहे। अब मीडियम टू लो गैस पे हम इसको धीमा धीमा गैस पर खूब अच्छे से भून लेंगे। भूनते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हमको इस तरीके से पुश करते हुए भूनना है ताकि जो इसके अंदर गांठ गुठली होगी वो हटती जाएगी और हमारा आटा अंदर तक अच्छे से रोस्ट हो जाएगा। में भूनते समय दो चम्मच सोल्ट पाउडर भी ऐड कर देंगे। सोल्ट पाउडर भी हमने ऐड कर लिया, इसको भी हम आटे में रोस्ट कर लेंगे। ये देखिए जो हमने काजू बादाम लिए हैं हमारे खड़े हैं, तो इसलिए हमको इसको दरदरा पीसना पड़ेगा। अगर आपके पास टुकड़ा है तो आप वैसे भी डाल सकते हैं। ये देखिए काजू बादाम हमारे रोस्ट हो गए, दरदरे हो गए हैं, वो भी अब हम इसके अंदर डाल देंगे। ये देखिए आटा हमारा खूब अच्छे से भुन गया है, इसका कलर भी बदल गया है। अब हम इसको इसी परात में पलट लेंगे जिस थाली में हमने ड्राई फ्रूट्स पीस कर रखे हैं, वो भी हम इसके अंदर हम आटा भी पलट देंगे। ये देखिए हमारे आटे का कलर कितना अच्छा आया है। अब हम इसके अंदर अब हम आधा ग्लास पानी डालेंगे इसके अंदर। ये हमने दो कटोरी चीनी ली है, इसको भी ऐड कर देंगे। और इसकी खूब अच्छी सी चाशनी बनाकर रेडी कर लेंगे। देखिए चाशनी हमारी अच्छे से खोल रही है। अब हमने इसके अंदर एक चम्मच देसी घी डाला है। देसी घी डालने से होता क्या है, जो भी हम लोग मिठाई बनाते हैं वो हमारी थोड़ी ग्लॉसी बनती है, एक अच्छी सी शाइन आती है, इसलिए हमने इसके अंदर ये घी ऐड किया है। तब तक हमने ये थालियाँ ली हैं, इन थालियों में घी स्प्रेड कर लेंगे। ये देखिए चाशनी हमारी रेडी हुई है। अब हम इसके अंदर जो हमने भून कर रेडी किया है वो भी अब हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। गैस की फ्लेम स्लो कर देंगे और इसको सूखने तक थोड़ा सा, जब तक ये समेटने में समेटेगा, समेटने तक इसको हम इसी तरीके से भूनेंगे। जब तक ये कढ़ाई छोड़ने लगेगा इसको हमें तब तक भून कर रेडी करना है। कतली सोट की बना रहे हैं न्यूली मदर की, वो अब हमारी प्लेट में पलटने लायक हो गई। अब हम ये जो थाली में घी लगा कर रखा है इसमें हम इसको पलट देंगे। इस तरीके की एक कटोरी लेंगे और इसको अच्छे से फैला देंगे। आप जितना मोटा पतला चाहें उतना मोटा पतला आप इसको फैला सकते हैं। ये देखिए हमने इसको बिल्कुल अब बराबर कर दिया और अब हम इसको थोड़ी देर सूखने देंगे, उसके बाद हम इसके पीसेस कट करेंगे। इसी तरीके से हमने जो दूसरी रेडी करी है उसको भी फैला देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा फिर हम आपको इसके पीसेस कट करके दिखाते हैं।
इसके ऊपर हम कुछ नारियल के लच्छे स्प्रिंकल कर देंगे। ये देखिए हमने स्प्रिंकल कर दिए। अब हम इसको भी कटोरी से दबा देंगे, दोनों प्लेटों में अलग से ही कर देंगे। अब हम आपको थोड़ी देर बाद जब ये ठंडी हो जाएगी तो कट करके दिखाते हैं। हमने इसकी कतली जमाई है, आप अगर चाहें तो इसी तरीके से लड्डू भी बना सकते हैं। दोस्तों आप इसको एक बार बनाकर जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आने वाली है। ये देखिए हमने कतली कट करके अपनी थाली में सेट कर ली है। फ्रेंड्स ये न्यूली मर्दर ही नहीं, हम सब भी इसको बनाकर खा सकते हैं। ये खाने में बहुत टेस्टी होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम सबको पैरों में दर्द, बदन में दर्द होता है, तो उसमें भी आप इस रेसिपी को बनाकर जरूर ट्राई करिएगा, इससे आपको बहुत आराम मिलेगा। भाई मैं तो इसको पूरे साल बनाकर यूज़ करती हूँ। और हाँ दोस्तों आपसे एक छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल पर प्रेस और वीडियो को शेयर कीजिएगा। हम अपने चैनल पर इसी तरीके की नई नई और आसान रेसिपी लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। मैं तो चली इसको इंजॉय करने। आप खा बनाइएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी और आप हमारा वीडियो कहाँ से वॉच कर रहे हैं।